कंटक। और जो दूसरा मेन स्पॉट है यह है नर्मदा मंदिर में, हम अभी आ चुके हैं। और नर्मदा मंदिर में जो है मंदिर अभी बंद हो चुका है, हमको थोड़ा आने में लेट हो गया। और जो है मंदिर 12 से 4 बजे तक बंद रहता है, तो आप जब भी इस जगह पे आएँ तो इसका ध्यान रखें। और अगर आप इस जगह पे आना चाहते हैं तो ये जगह बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है रोड से, बाय फ्लाइट से, और आपका जो बाय ट्रेन से, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा अनूपपुर और पेंड्रा रोड का, और नियरेस्ट एयरपोर्ट है जबलपुर का 240 किलोमीटर की दूरी पर। और बाय रोड से अगर आप आना चाहते हैं तो ये बिलासपुर, रायपुर सब तरफ से ये इजीली कनेक्टेड है। तो ये मेरे आप सामने देख सकते हैं, ये है नर्मदा मंदिर और ये मुख्य मंदिर है। और यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो एक हाथी है, वो हाथी की मूर्ति के नीचे से अगर आप पार हो जाएंगे तो आपने कोई पाप नहीं किया है। तो आइए चल के उसका नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग ये हाथी के नीचे से बुलक रहे हैं। और आप इस जगह पे आएँ तो इस जगह पे आना ना भूलें। और ये नर्मदा मंदिर का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जगह है। और अगर आप इस आएंगे तो इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और मेरे सामने आप देख सकते हैं ये है यज्ञ स्थल, और यज्ञ स्थल में आप पूजा पाठ भी करा सकते हैं। और यहाँ पर आपको प्रसाद भी मिल जाएगा जो कि आप भोग स्वरूप में लेके घर भी जा सकते हैं। तो अमरकंटक में तो वैसे काफ़ी कुछ देखने को है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस जगह के बारे में बताया। ये है मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार, लेकिन हम लेट हो गए थे इस कारण ये बंद हो चुका है। तो अगर आप इस जगह पे आएँ तो ये दर्शन करना ना भूलें। और ये है माँ नर्मदा का स्वरूप, और ये पीछे जो मेरे आप देख रहे हैं वो है इस जगह का कुंड। तो दोस्तों ये जो मेरे सामने आप कुंड देख रहे हैं, यही है नर्मदा दा माई का मेन कुंड। और यहीं से नीचे से कुंड से वो पानी इस में भर जाता है, पानी रिस के, और यहाँ से फिर वो पानी जो है चला जाता है कपिल धारा और दूध धारा में, यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर। और अभी जो है यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है कुंड का, और पानी लगातार रिस रिस के 12 फीट की ऊंचाई तक यहाँ पे पानी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ का पूरा नज़ारा आप देख लीजिए। अभी जब हम लोग इस जगह पे आए तो मंदिर जो है वो बंद हो चुका था, काफ़ी लेट हो गया हम लोगों को इस जगह पे पहुँचने में। और यहाँ का नज़ारा आपको कैसा लग रहा है ज़रूर आप हमें बताएं। यहाँ पे अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है, इस कारण मैं इस वीडियो को मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो क्वालिटी थोड़ा अच्छा आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस जगह पे आएँ तो ये सब सावधानियों का पालन करें। और वो सामने मेरे आप देख सकते हैं मुख्य गेट, और यहाँ पे आप भोग प्रसाद भी ले सकते हैं। भोग प्रसाद आपको 51 रुपये में मिलेगा, और सब कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ मिल जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इसको अब अच्छा कर दिया गया है, और पहले तो ये उतना डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा ये डेवलप हो चुका है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताएं, और शेयर करें हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के बीच,